कलर से आपको बुनना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक की सारे फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, ये दो फंदे हम रेड से बुनेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक की सारे फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो उसी तरह से बुनेंगे, तो हम आपको इसी तरह से यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ तक इसी तरह से हमने सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और ये जो रेड कलर के दो फंदे हैं यहाँ तक हम ये सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो सीधे सीधे वैसे ही हमें सारे फंदे बुनने हैं। उसी तरह से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे। यहाँ से हम सीधे सीधे ही बुनेंगे, तो ऐसे सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हमें ये सारे फंदे बुनने हैं, तो हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे ऐसे ही बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिया, ये दो फंदे रेड भी हम ब्लैक बना लेते हैं। अब यहाँ से ये जो अगले रेड कलर के दो फंदे थे, यहाँ से जो नेक्स्ट दो फंदे हैं ब्लैक कलर के, ये दो फंदे हमें रेड बनाने हैं इस बार। तो इस कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से दबा लेंगे और यहाँ से ये दो फंदे हम रेड बना लेते हैं। फिर से रेड को हम ऐसे ही दबा लेंगे और फिर से हम ये फंदे हैं जिस कलर के उसी कलर से हम बुन लेते हैं। तो सीधे सीधे ही बुन लेंगे। यहाँ तक हम आपको ऐसे ही ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से फिर से हम वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा हम यहाँ से बिना बुने उतारेंगे, फिर इस कलर के ये फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे, उसके बाद में ये दो रेड कलर के फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे और फिर ये ब्लैक सारे फंदे यहाँ तक हम ब्लैक से ही बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे इसी तरह से बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ तक इसी तरह से सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ तक हम ये जो दो रेड कलर के फंदे हैं, ये वाले फंदे भी इनके साथ ही यहाँ तक हम सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेंगे। तो सीधे सीधे बुनने हैं। उसी तरह से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और ऐसे ही हम सीधे सीधे बुन लेते हैं रेड कलर के फंदों तक। हम आपको
अब देखिए इस साइड से हमें कैसे बुनना है, तो ब्लैक कलर के फंदे हम ब्लैक से ही बुनेंगे और फिर ये 16 फंदे रेड कलर के हम रेड कलर से बुनेंगे और फिर ये 12 फंदे ब्लैक के हम ब्लैक से बुनेंगे। तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुनेंगे। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास डब्लू वाला शेप हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से ये डब्लू हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और ये सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो सीधे सीधे ही बुन लेंगे, इसी तरह से सीधे सीधे हम आपको ये पूरे 40 फंदे हम ब्लैक से बुन लेंगे। तो पूरे 40 फंदे हम आपको इसी तरह से ब्लैक से बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये 40 फंदे हमने सारे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम एक बार और यहाँ तक ये सारे फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे ही बुन लेंगे। तो यहाँ से ये हर बार की तरह पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और सीधे सीधे ही ये 40 फंदे सारे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो सारे फंदे हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने एक बार और हमने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से ई लेटर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम फिर से उसी तरह से 12 फंदे हम ब्लैक से बुन लेंगे और 16 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे और फिर 12 फंदे हम वापस से हम ये ब्लैक कलर से बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने से ही उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेते हैं। तो 12 फंदे हमें बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ से 16 फंदे हमें रेड से बनाने हैं, तो इसे हम दबा लेते हैं इस तरह से और रेड से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 ब्लैक को हम बुनाई में ही बैक साइड में दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 5, 6, 7
ये हमने सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम हर बार की तरह बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद में हम इस साइड से हम उसी तरह से बुनेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। ब्लैक फंदे ब्लैक से बुनेंगे, रेड फंदे रेड से, फिर से ये ब्लैक ब्लैक से बुनेंगे और रेड रेड से, फिर ब्लैक ब्लैक से बुनेंगे और ये दो फंदे रेड रेड से बुनेंगे और फिर यहाँ तक ये सब हम ब्लैक से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने इसी तरह से बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे, 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर ये दो रेड से, फिर पांच ब्लैक से, फिर दो रेड से, फिर पांच ब्लैक से, फिर दो रेड से, उसके बाद में 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें तीन बार और हमें बुनना है। तो फिर हम यहाँ तक बुनने के बाद में फिर से हम इस साइड से उसी तरह से बुनेंगे, जिस कलर के फंदे होंगे हम उसी कलर से बुन लेंगे। तो तीन बार और हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने इसे तीन बार और हमने इसी तरह से इसे बुन लिया है और ई को हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये ई लेटर हमारा बनकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ये सारे फंदे 40 फंदे यहाँ तक हम ब्लैक कलर से ही बुन लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से बुनना और फिर यहाँ तक हम एक बार यहाँ तक के सारे फंदे बुन लेंगे। जिस तरह से हमें दो सिलाई हमें बुनकर कंप्लीट करनी है, जिस तरह से हमने ये W और E के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन हमने बुनी है, पहले इस साइड सारे फंदे बुने और फिर इस साइड से, तो ऐसे ही हम दो सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम आपको इसी तरह से यहाँ पर दो सिलाई बुनकर दिखा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने दो सिलाई हमने बुन ली है और दो सिलाई से एक लाइन हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम लेटर L हम यहाँ पर बुनेंगे, तो यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर 16 फंदे हम रेड से बुनेंगे और फिर 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। इस तरह से हमें फिर से बुनना है। तो उसी तरह से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से हम 12 फंदे बुन लेते हैं। बारह फंदे हमने बुन लिए हैं ब्लैक से। अब 16 फंदे हमें रेड से बनाने हैं, तो ब्लैक को हम इस तरह से दबा लेते हैं और यहाँ से हम रेड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से हर बार की तरह ये ब्लैक कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में यहाँ पर दबाते हुए यहाँ तक लेकर जाएंगे। एक फंदा और यहाँ से जब हम रेड कलर के फंदे बुनेंगे तो ये ब्लैक पट्टी को हम बैक साइड में ही दबाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और उसके बाद में हम ये फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से आगे हमें किस तरह से बुनना है, देखिए यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे ब्लैक कलर से ही। सारे फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, इसके बाद में ये रेड फंदे भी हम ब्लैक से बुन लेंगे और यहाँ पर ये रेड कलर के दो फंदे हमें रेड से बुनने हैं, उसके बाद में ये वाले फंदे भी हम ब्लैक से ही बुन लेंगे। तो इस तरह से बुनना है, इसी तरह से हम ये फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और सीधे सीधे ही हम ये बुन लेते हैं सारे फंदे ब्लैक से ही। तो रेड कलर के दो फंदे रहने तक हम इसी तरह से बुन लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है और रेड कलर के ये दो फंदे हम रेड से ही बुन लेते हैं। ब्लैक को हम इस तरह से दबा लेंगे और ये दो फंदे हम रेड से बुनेंगे। तो रेड कलर को हम यहाँ से हम बैक साइड में इस तरह से दबाते हुए नीचे की तरफ आ गए हैं। अब रेड को हम इस तरह से दबा लेंगे और बाकी के बचे हुए सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको ब्लैक से ही बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हम बुनेंगे, ब्लैक ब्लैक से बुनेंगे और ये दो फंदे रेड के हम रेड से बुनेंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो अब यहाँ से फिर से हम इस साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे।
तो इस साइड से फिर से हम यहाँ तक हम ये सारे फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर ये दो फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर यहाँ तक ये सारे फंदे हम ब्लैक से बुन लेंगे। उसके बाद में हम फिर से इस साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें तीन बार और हमें बुनना है। जैसे यहाँ पर हमने बुना है ये दो फंदे रेड कलर से, तो इसी तरह से हम तीन बार और बुन लेते हैं। तो इतना बुनने के बाद में हम आपको दिखाते हैं जैसे कि एल लेटर जो है वो बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक इसे बनकर कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा एल लेटर भी बनकर कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम दो सिलाई उसी तरह से बुन लेंगे, एक लाइन बन जाएगी। जब हम दो सिलाई बुनेंगे तो सारे फंदे हम इसी कलर से हम बुन लेंगे। तो यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया, हमारे पास एक कलर खत्म हो गया था, हमने अलग से कलर चेंज कर लिया। अगर आपके पास एक ही कलर का कपड़ा हो तो आप एक ही कलर के कपड़े में बनाकर तैयार करें। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर ये दो सिलाई से हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई है ई और एल के बीच में, उसी तरह से हम यहाँ पर फिर से दो सिलाई बुनेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक सारे फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे और उसके बाद में फिर से यहाँ तक ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे फंदे बुनकर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ तक हमने बुनकर कम्प्लीट कर लिया। दो सिलाई हमने बना ली है जिससे कि यहाँ पर इस तरह से ये एक लाइन बन गई है। तो अब हम लेटर सी बनाएंगे। अगर आपको इन लेटर्स के बीच में गैप ज्यादा रखना है तो आप दो लाइन बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने डब्ल्यू और ई के बीच में भी हमने इस तरह से एक लाइन बनाई है दो सिलाई से, और ई और एल के बीच में भी हमने इस तरह से एक लाइन बनाई है। आपको इन लेटर्स के बीच में गैपिंग ज्यादा देनी है तो हमने एक लाइन बनाई है, आप बीच में दो लाइन बनाइए और उसके बाद में आप नेक्स्ट लेटर बनाना स्टार्ट कीजिए। अब हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेटर सी बनाना। तो उसी तरह से हम यहाँ से 12 फंदे हम इस कलर से बुनेंगे और उसके बाद में 16 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे और फिर 12 फंदे हम इस कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें बुनना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से हम 12 फंदे बुन लेते हैं इस कलर से। और ये दो फंदे बुन लिए। अब हम रेड को फिर से दबा लेंगे और अब यहाँ से हम फिर से ग्रे से बुनेंगे।
इसी तरह से हम सीधे सीधे यहाँ तक के सारे फंदे हम ग्रे से बुनकर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। यहाँ से हम यहाँ तक के सारे फंदे ग्रे से बुनेंगे, दो फंदे रेड से बुनेंगे, फिर से हम ग्रे से बुनेंगे और रेड कलर को हम बैक साइड में दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर ये दो फंदे हम रेड से बुनेंगे, उसके बाद में हम फिर से ग्रे से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं, तो अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ये फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर ये फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, फिर ये दो फंदे रेड से, और फिर ये ग्रे से यहाँ तक बुनेंगे। और यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें तीन बार और बुनना है, जिससे कि ये लेटर सी बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको तीन बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने सी लेटर भी हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे, ये सारे फंदे हम ग्रे कलर से बुन लेते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम ये सारे फंदे वापस ग्रे कलर से यहाँ तक हम बुन लेंगे। यानी कि दो सिलाई हमें बुननी है, जिससे कि यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि हम हर लेटर के बीच में हम थोड़ा गैप दे रहे हैं एक लाइन का। तो अब यहाँ पर ये सी लेटर कम्प्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से एक लाइन बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं। हम आपको ये एक लाइन बनाकर दिखा देते हैं। देखिए हमने इस तरह से ये एक लाइन हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेटर ओ, ओ हमें बनाना है। तो अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से हम ग्रे कलर से हम 12 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, और उसके बाद में हम 16 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, और फिर 12 फंदे हम ग्रे कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुनेंगे। ये 12 ग्रे कलर के फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, और फिर ये रेड 16 फंदे हम रेड से बुनेंगे, और फिर ये फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं, और जब हम ये रेड कलर के फंदे बुनेंगे तो बैक साइड में हम ये ग्रे कलर के कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से बैक साइड में दबाते हुए यहाँ तक जाएंगे, और फिर ये फंदे हम बुन लेंगे। यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 12 फंदे ग्रे कलर के हम ग्रे कलर से बुनेंगे, और उसके बाद में रेड कलर के दो फंदे हम यहाँ से रेड कलर से बुनेंगे, और फिर यहाँ से फिर से हम ग्रे से बुनेंगे, और यहाँ पर रेड कलर के दो फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, उसके बाद में यहाँ से 12 फंदे ग्रे कलर के हम ग्रे कलर से बुन लेंगे। यहाँ तक हम आपको इसी तरह से ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं, और हर बार की तरह दोनों साइड हम एक एक फंदा हम बिना बुने उतारते जाएंगे। तो ये इस तरह से डोरमेट के यहाँ पर इस साइड दोनों साइड एक एक फंदा बिना बुने उतारने से यहाँ पर बाउंड्री पर इस तरह से चैन जैसी डिजाइन बनती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये उतारना ही है दोनों साइड से फंदा। अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, भूल जाते तो कोई बात नहीं, मत उतारिए, आप ऐसे ही बुन लीजिए सारे फंदे, उससे भी डोरमेट अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से उतार लेंगे तो डोरमेट के यहाँ पर दोनों साइड ही इस तरह से चैन जैसी डिजाइन बनेगी, जो दिखने में ज्यादा सुंदर लगती है। तो अगर आप नहीं उतारना चाहते हैं तो ना उतारें, सीधे ही आप बुन लें। तो यहाँ तक हम आपको इस तरह से ये फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब यहाँ से फिर से हम इस तरफ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, और ये रेड कलर के दो फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर से हम ग्रे से बुनेंगे, और रेड कलर के दो फंदे हम फिर से रेड से बुनेंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ तक वापस से हम ये ग्रे से हम यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लेंगे। फिर इसी तरह से हम फिर से बुनेंगे, तो तीन बार हमें इसी तरह से बुनना है। यहाँ पर रेड कलर के हमें यहाँ पर दो दो फंदे हमें बुनने हैं। एक बार हम यहाँ तक बुन लेंगे तो एक बार कम्प्लीट हो जाएगा। तो दो लाइनें और हम इसी तरह से बुन लेंगे, दो बार और हम इसी तरह से आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तीन लाइनें हमने बना ली हैं। इस तरफ से दो दो फंदे बुनते हुए हमने, देखिए एक दो तीन, ये वाली लाइन बनाई हमने, उसके बाद में एक दो तीन, दो दो फंदे बुनते हुए हमने तीन लाइनें और बना ली हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 12 फंदे हम ग्रे कलर के ग्रे कलर से बुनेंगे, और उसके बाद में यहाँ से ये जो रेड कलर के फंदे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये सारे फंदे यहाँ तक हम रेड कलर से ही हम बुन लेंगे। पूरे 16 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक रेड से बुनेंगे, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये 12 फंदे हम फिर से हम ग्रे से बुन लेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, रेड रेड से, और उसके बाद में ग्रे हम ग्रे से बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं, और ये ओ लेटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम यहाँ तक ये सारे फंदे 40 फंदे हम ग्रे कलर से बुन लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक ये सारे फंदे 40 फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे यहाँ तक फिर से बुन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। जैसे हमने हर लेटर के बीच में इस तरह से एक लाइन बनाई है, वैसे हम एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं। तो दो सिलाई बुनेंगे, दो सिलाई से एक लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं, और इस तरह से यहाँ पर हमने एक लाइन बना ली है। अब हम लेटर एम बनाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। 12 फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे, और 16 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, और फिर 12 फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे। इसी तरह से हम आपको यहाँ तक ये फंदे बुनकर दिखा देते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुनेंगे। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, और फिर ये ग्रे फंदे हम फिर से ग्रे कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो अब हमें लेटर एम बनाना है। तो जैसे हमने डब्ल्यू बनाया है इस तरह से, तो हमें एम इस तरह से बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे ग्रे कलर से। तो ये 12 फंदे हम बुन लेंगे, और यहाँ से रेड कलर के 2 फंदे और हम ग्रे से ही बुनेंगे, उसके बाद में 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, और फिर ये सारे फंदे रेड हम ग्रे से बुन लेंगे, और ये ग्रे वाले फंदे भी हम ग्रे से ही बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं, और यहाँ पर ये 2 फंदे हमने रेड कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, तो ग्रे फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे, ये 2 रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे, और फिर ये ग्रे फंदे हम ग्रे से बुन लेंगे। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से ये सारे फंदे हम ग्रे से बुन लेंगे, और ये 2 रेड कलर के फंदे हैं ये भी हम ग्रे से ही बुन लेंगे। तो यहाँ तक हम ग्रे से बुनेंगे, उसके बाद में ग्रे कलर के यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इन रेड कलर के फंदों के आगे ये 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, और उसके बाद में यहाँ से सारे फंदे हम ग्रे से ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको इसी तरह से सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे, ग्रे ग्रे से, 2 रेड रेड से, और ये ग्रे ग्रे से। तो यहाँ तक हम ये सारे फंदे आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, तो ये ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे, और ये 2 रेड फंदे भी हम ग्रे से ही बुन लेंगे, और इन रेड फंदों के आगे इस बार ये जो 2 ग्रे फंदे हैं ये हम रेड से बुनेंगे, और फिर यहाँ से आगे के सारे फंदे हम ग्रे से ही बुन लेंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर से हम टर्न हो जाएंगे उसी तरह से, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो इतना हम आपको यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ से हम कैसे बुनेंगे, यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो ग्रे कलर से ही हम बुनेंगे, और यहाँ तक हम बुनेंगे, और ये जो रेड कलर के 2 फंदे हैं यहाँ पर इनके ऊपर जो ग्रे कलर के 2 फंदे हैं ये फंदे हमें रेड से बनाने हैं। ये वाले फंदे रेड से बनाएंगे, और फिर ये रेड फंदे जो है ये भी हम ग्रे से ही बना लेंगे, और यहाँ तक ये सारे फंदे हम यहाँ तक ग्रे से हम बना लेते हैं, क्योंकि ये जो एम की शेप हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ तक हमने बना ली है, अब इसे ऊपर की तरफ ले जाकर हम इस तरह से बनाएंगे जिससे कि एम की शेप बनेगी। तो यहाँ से जो रेड कलर है इसे हम वापस से इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है, तो इसके ऊपर ये जो 2 फंदे हैं ये हम इस बार रेड बना लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बुन लेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हम आपको इसी तरह से बुनकर दिखा देते हैं। देखिए फिर से हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर से हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे, ये ग्रे फंदे हम ग्रे से ही बुनेंगे, और इस बार हमें ये 2 फंदे हमें रेड बनाने हैं। ये जो रेड कलर के 2 फंदे हैं इनके ऊपर ये जो ग्रे कलर के 2 फंदे हैं ये हमें इस बार रेड बनाने हैं। तो ये 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, और फिर ये रेड फंदे भी हम ग्रे से ही बुनेंगे, और फिर ये सारे फंदे यहाँ तक हम ग्रे से बुन लेंगे। तो यहाँ से फिर से हम इसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे, और जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बुन लेंगे। तो यहाँ तक हम आपको फिर से बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो इस बार हम ग्रे कलर के हम 12 फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे, और फिर यहाँ से हम 16 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, और फिर 12 फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर के 2 फंदे हैं इनके ऊपर के ये जो 2 फंदे हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रेड कलर से बुनना, और 16 फंदे हम रेड से बुन लेंगे, और फिर यहाँ तक बुन लेंगे, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से हम बुनेंगे, तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो यहाँ तक हम बुनकर कंप्लीट बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो इतना बुनने के बाद में ये लेटर एम पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे हमने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेटर एम बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, और ये पूरे 40 फंदे हम ग्रे से ही बना लेते हैं, और फिर यहाँ से भी फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, और इस साइड से भी पूरे 40 फंदे हम ग्रे से बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में हम लेटर ई बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और इस तरह से हमने एक लाइन हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम लेटर ई बनाएंगे। तो लेटर ई किस तरह से बनाना है वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने लेटर ई बनाया है बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर लेटर ई बनाकर तैयार करना है। तो इसी तरह से हम आपको लेटर ई यहाँ पर पूरा बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने लेटर ई भी हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर हमने ये एक लाइन भी इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमें फंदे उतारना है।
यहाँ से हम फंदे उतारेंगे और हमारे डोरमेट को फिनिश करेंगे। तो फंदे किस तरह से उतारने हैं, दो दो फंदे बुनते हुए हम सारे फंदे हम उतार लेंगे। देखिए ये एक फंदा और ये दूसरा फंदा, ये दो फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से घुमा के लाएंगे और ये दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर इस सिलाई में जो ये फंदा आ गया है बुना हुआ, इसे हम वापस इस सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम दो फंदे बुनेंगे एक साथ, ये पहला फंदा और ये दूसरा, दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेते हैं और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से दो दो फंदे बुनते हुए हम ये सारे फंदे हम उतार लेते हैं। देखिए इस तरह से फंदे उतारते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फंदे उतारते जा रहे हैं, तो इसी तरह से सारे फंदे उतार लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारे फंदे हमने उतार लिए हैं। अब यहाँ से ये जो आखिरी फंदा है इसको हम इस तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे और अब यहाँ से इस कपड़े की पट्टी को हम कट कर देते हैं और यहाँ पर हम गांठ लगाकर इसे यहाँ से पक्का कर देते हैं। इस तरह से गांठ लगा दी हमने और अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा वेलकम वाला डोरमेट बनकर तैयार हो गया है।